एक खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव के अगले चरण की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज औरैया दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। अछलदा के रामलीला ग्राउंड में अमित शाह संबोधित करेंगे जनसभा को। आज 3 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, ये बड़ी खबर। 3 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा आज अमित शाह करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के अगले चरण की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। आज औरैया दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। अछलदा के रामलीला ग्राउंड में अमित शाह की जनसभा। तो अमित शाह आज जनसभा को संबोधित करेंगे, 3 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के अगले चरण की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। आज औरैया दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। अछलदा के रामलीला ग्राउंड में अमित शाह की जनसभा होगी। तो यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में आज अमित शाह जनसभा करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के अगले चरण की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। आज औरैया दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और अछलदा के रामलीला ग्राउंड में अमित शाह का आज संबोधन होना है। तो यूपी चुनाव से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज जनसभा को संबोधित करेंगे औरैया में। 3 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव के अगले चरण की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। औरैया दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है। अछलदा के रामलीला ग्राउंड में अमित शाह की आज जनसभा होनी है। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 3 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव के अगले चरण की तैयारियों में जुट चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह आज औरैया में जनसभा करेंगे। अछलदा के रामलीला ग्राउंड में अमित शाह की ये जनसभा होनी है। तो लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर पंजाब की बात करें तो आज जेपी नड्डा वहां पर संबोधित करेंगे, जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। और साथ ही अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो अछलदा के रामलीला ग्राउंड में आज अमित शाह की जनसभा होनी है। औरैया में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो मिशन यूपी पर बीजेपी के कद्दावर नेता जुटे हुए हैं। लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का रैली और संबोधन कार्यक्रम चल रहा है। और अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो आज औरैया दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। अछलदा के रामलीला ग्राउंड में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हुई ये अपडेट आपको दे रहे हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। अधिक जानकारी के लिए औरैया से संवाददाता नीरज कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज, देखिए यूपी में चुनाव है और इसको लेकर लगातार तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो आज औरैया में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जी नीरज, देखिए यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है और अभी अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो औरैया दौरे पर रहने वाले हैं और आज जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ अभी तैयारियां देखी जा रही हैं? जी 12:10 लगते अमित शाह जी
जी अखलदा रामलीला ग्राउंड में दिव्यापुर विधानसभा में उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा जी, और वहीं पर तीनों प्रत्याशी यानी कि दिव्यापुर सीट लाखन सिंह राजपूत और बिजुना रिया शास्त्री और औरैया गुड़िया कठेरिया जी के पक्ष में वो जनता से वोट करने की अपील करेंगे जी, और वहीं अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताएंगे जी। जी नीरज देखिए, औरैया सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर संबोधन है। जी मैं बताना चाहूंगा कि ये सपा का गढ़ है जी, और यहाँ अभी 4 दिन पहले बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने रैली की थी बिजुलाई में जी, और ठीक 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है रैली, सभा को संबोधित किया, और आज इसी को लेकर आज अमित शाह जी अचलदा औरैया दौरे पर हैं जी। शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो औरैया दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, आज जनसभा को संबोधित करेंगे।